श्री सोनाणा खेतला जी के, मंडोवर भैरू जी के, सेवाड़ी खेतला जी के, खौड़ खेतला जी के, जितने भी देश भर से आज यहां पर भक्त आए हैं, और आपको ये बता देना चाहूंगा कि हमारे भक्त शिरोमणि परम भक्त भक्तराज श्रीमान पृथ्वीराज जी बंसाली, हमारे इस संपूर्ण कार्यक्रम के प्रायोजक आदरणीय अर्जुन जी लखारा, परम आदरणीय श्रीमान गणपत जी लखारा और लखारा परिवार के अन्य जितने भी लोग हैं, उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं आज आपके बीच में हमारे पाली के युवा एडवोकेट भाई श्री किरण जी लखारा के भाव को मान देकर आज यहां पहुंचा हूं, और आप सभी के सोनाणा खेतला जी के मंडोवर भैरू जी के भक्तों के दर्शन का मुझे मौका मिला है। परम आदरणीय भक्तराज श्री पृथ्वीराज जी बंसाली साहब कहाँ बैठे हैं? पृथ्वीराज जी बंसाली आपके श्री चरणों में मास्टर ऑफ सेरेमनी ओम आचार्य सादर वंदन करता है। हमारे अर्जुन जी आपको भी प्रणाम करता हूँ, और अर्जी से जितने भी आपके ज्वार जी के सुपुत्र गणपत जी आदि पधारे हैं, उन सभी को भी आपकी लगभग 20 वर्षों की ये लंबी यात्रा है, और सुदूर यहां से आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से, जिसकी लंबाई को नापने में 3-4 दिन लगते हैं हमको, वहां से यहां आकर के, और ये अर्जी परिवार, ये लखारा परिवार 20 वर्षों से यहां समाज के लोगों को एकत्र करके और ये भक्ति भैरू जी की करवा रहे हैं, ये यात्रा अपने आप में कम नहीं है। ये जब तक ईश्वर का आदेश नहीं होता है तब तक इतना संभव नहीं है, और शायद आप जोधपुर वासियों को तो पता है, लेकिन जो अन्य लोग यहां पर आए हुए हैं उनको पता होना चाहिए कि ये एक ऐसी जागृत भूमि है। ये मंडोवर काला गोरा भैरू जी इतनी जागृत भूमि है, अपने आप में इतनी जबरदस्त तपो भूमि है कि इस मारवाड़ के महाराजा धीराज श्री अजीत सिंह जी राठौर साहब ने विक्रम संवत 1702 से लगा करके और विक्रम संवत 1727 के आरे में पूरी चट्टान को खुदवा करके और यहां पर सिद्ध गणपति जी को स्थापित किया, और सिद्ध गणपति भी ऐसे गणपति हैं आप लोगों रोजाना दर्शन करते होंगे, लेकिन यहां राजस्थान का एकमात्र गणेश जी की ये यहां पर चट्टान पर खुदी हुई प्रतिमा है, जिनके गले में शेष नाग है, जिनके गले में शेष नाग है, और प्रगट प्रभावी काला गोरा भैरू जी जो तंत्र मंत्र के देवता कहते हैं, जो कष्टों को हरने वाले हैं, जो दुख में भागीदारी रखते हैं, सुख में साझेदारी रखते हैं, और हारे के जो सहारे हैं, हम इनको देखते हैं अर्जुन जी को 20 वर्षों से इतनी दूर से आकर के, और भक्तराज गढ़ सिवाना निवासी श्रीमान पृथ्वीराज जी बंसाली ने जो यहां पर मेहनत की है, पसीना अपना बहाया होगा और खून जिगर को लुटाया होगा, तब कहीं जाकर के मंडोवर भैरू जी में इतना बड़ा मेला सजाया होगा। ये इतनी जो महफिल आज यहां पर सजी है, लोगों को खड़े रहने को जगह नहीं है, लेकिन जो लोग खड़े हुए हैं उनको प्रणाम करता हूं, आपकी जवानी को सैल्यूट करता हूं कि आज का युवा परमात्मा की भक्ति में इतना उमड़ पड़ा है कि वो पूरी रात खड़े रह करके भी, अरे तजुर्बे संकटों से मिलते हैं और हौसले भैरू जी से मिलते हैं, तजुर्बे संकटों से मिलते हैं और हौसले भैरू जी से मिलते हैं। ये खड़े हुए लोग मर्द हैं जो मैदान की अमानत है, बुजदिल लोग तो घरों में मिलते हैं दोस्तों, ऐसे मर्द लोग आज यहां बाबा के दरबार में एकत्रित हैं, तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। आप सभी की उपस्थिति और आयोजन समिति के लोग जिन्होंने 20 वर्षों की यात्रा इतनी लंबी जो है यात्रा करके, और ये मेला आज जहां तक भी, अभी जब मैं आया तो वहां मेन गेट से लगाकर यहां तक जो भीड़ का रेला चल रहा है, जितने लोग यहां हैं उतने गेट तक लोग आ और जा रहे हैं, हमारी मेहनत यहां पर आकर के सफल होती है। इसलिए एक बार फिर परम आदरणीय पृथ्वीराज जी बंसाली साहब, आपको और हमारे ज्वार जी के परिवार के जितने भी भाई यहां पर हैं, लखारा समाज के जितने भी लोग यहां पर हैं,
उन सभी के ऊपर शंकर भगवान की दया है। ये सब क्षत्रिय कुल के लोग हैं। ये लखारा समाज जो है महेंद्र सिंह जी, अगर इतिहास के पसर मंजों में जाकर देखोगे तो ये लखारा समाज की उत्पत्ति भगवान शंकर की कृपा से क्षत्रियों में से हुई है। भगवान शंकर की जब बारात हिमाचल पहुंची तब जो है मां पार्वती जी ने उनको अखंड सुहाग का वरदान मांगा। उनको ये विनती की कि हे प्रभु, आप हमको और कुछ नहीं चाहिए। मां पार्वती शंकर भगवान से कहती है कि हे प्रभु, मुझे अमर सुहाग का वरदान दे दो, मुझे अमर सुहाग की निशानी दे दो। और अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मां पार्वती ने जो जब कहा तो शंकर भगवान तो भोले भंडारी है, उन्होंने तत्काल प्रभाव से उसी क्षण बड़ और पीपल के वृक्ष से लाख पैदा कर दी, लाख निकाली और निकाल करके शंकर भगवान के अनंत भक्त क्षत्रिय कुल के महाराज राहु शाह के सुपुत्र मनादर शाह, जो भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे, उनको बुलाया और कहा कि तुम क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हो, तुम्हारे पास में शस्त्र हैं, लेकिन मेरा ये आदेश है, मेरी ये आज्ञा है कि तुम शस्त्रों को छोड़ करके और जो है दूसरा व्यवसाय प्रारंभ करो। तब भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके और महादर नरेश, क्षत्रिय नरेश ने उसी समय तलवार बंदूक भाला जो थे वो भगवान के चरणों में रख दिए और उन्होंने हाथ लगाई। हाथ लगा के सबसे पहले लाख की चूड़ियां बना के तैयार की और वो चूड़ियां मां पार्वती को पहनाई। मां पार्वती का अमर सुहाग अमर हो गया हमेशा हमेशा के लिए। तब से लगाकर आज दिन तक इनको चाहे हम लखारा कहें, चाहे लखेरा कहें, चाहे लखपति कहें, चाहे लक्षकार कहें, ये सब क्षत्रिय वंश के योद्धा हैं। और भगवान शंकर का ये रुद्र अवतार है, ये भैरू जी भगवान शंकर के रुद्र अवतार है। आपको मालूम होना चाहिए कि भगवान शंकर के वक्ष स्थल से जितने खून की टपकी हुई ना, उतने गण तैयार हुए, उनमें से ये काला और गोरा सबसे ताकतवर है। दूत भैरू है, बहुत जल्दी राजी होने वाले हैं, दुखों को दूर करने वाले हैं। इसलिए अर्जुन जी महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, श्रीमान पृथ्वीराज जी के आशीर्वाद से अर्जुन जी ने ये जो हिम्मत की है, उनके परिवार ने ये जो बीड़ा उठाया है, अरे दूरियां तो क्या है, अनंतपुर तो यहां से पहुंचा जा सकता है, मगर आपने 20 वर्षों में ये साबित किया है कि दूरियां फासले होते नहीं बनाए जाते हैं, फासले होते नहीं बनाए जाते हैं, और रिश्ते तो दूर रहकर भी निभाए जाते हैं। अरे बनावट से जिंदगी चलती नहीं है दोस्तों, रिश्ते तो वो हैं जो भैरू जी के साथ निभाए जाते हैं। बोलिए मंडोवर भैरू जी महाराज की। इसलिए लखारा समाज को ओम आचार्य प्रणाम करने आया है। आप सभी के दर्शन हुए हैं, क्षत्रिय कुल के इन वीरों को प्रणाम करता हूँ, भैरू जी के इन भक्तों को प्रणाम करता हूँ कि सोनाना खेतला जी के बाद में ये भैरू जी का 20 वर्षों से मेला लग रहा है और मेरा नंबर यहाँ 2024 में लगा है, तो ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। मैं किरण भाई का बहुत बहुत आभार मानता हूँ, हमारे महेंद्र सिंह जी राठौर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप विनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दक्षिणम मोक्ष साधनम। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आकर चैन मिला, ये मंच तो ऐसा लगता है, और सच पूछो तो मुझको तो ये जन्नत जैसा लगता है। ऐसा वातावरण आप सभी ने बनाया है।